अस्सलाम वालेकुम। मैं फरजंद शहीद सैयद आगा हैदरशाह रिजवी का बेटा सैयद मेहदी शाह रिजवी हूँ। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से खरमंग से है और मैं कुछ वीडियो आज बना रहा हूँ उस हवाले से कि अपनी जिंदगी और ये आज जितनी भी मेरे से गलतियां हुई हैं वो सब के हवाले से मैं और अपने कौम को गलत डायरेक्शन में ना जाने के लिए और यानी अपने लोगों को गुमराह ना होने के लिए और खुद भी गुमराह ना होने के लिए और अपने साथियों को भी बचाने के लिए गुमराह होने से, सबसे पहले तो मैं कराची में जेर तालीम था। 2015 22 अप्रैल मेरे बाबा की शहादत के बाद तो हमने अपनी ये सियासी लाइफ और स्टूडेंट कौम परस्ती की लाइफ स्टार्ट की थी। बाबा की शहादत होते ही एक प्रोग्राम मुनक्कित हुआ था बीएसएफ का, ये कराची में ही बाबा की याद में वहां शम्मे जलाए गए थे और उस प्रोग्राम में जाने की बिना पे, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे वालिद को किस तरीके से ये जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, इंटरनेशनल चोर डक्के माफिया जो भी हैं, इन्होंने मेरे वालिद के साथ जो मिस यूज किया था और मेरे बाबा को इन्होंने एंटी पाकिस्तान बनवाया था, इन्हीं बेगरतों की वजह से वो एंटी पाकिस्तान कहलाए गए थे। जैसे ही मैं मंजरे आम पे आया और वही कहानी पूरी दोहराई गई है मेरे साथ, हमें नहीं पता चला कि ये लोग हमें एक तरीके से इज्जत अफजाई करते, हमें नहीं पता कि ये हमारे ही नाम से क्या क्या कमा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में हमें गलत गुमराह कर रहे हैं। हम फौज के खिलाफ नहीं है, इन्हीं बेगरत एजेंटों की वजह से हम लोगों को उकसाया जाता है, हम लोगों को ये काम करवाए जाते हैं हम सादा लोगों से। तो बहरहाल हम कराची में हमारी एक्टिविटीज ऐसी हुआ करती थी कि गिलगित बल्तिस्तान के जो भी राइट्स के प्रोग्राम होते थे बीएनएफ के, जैसे मैंने अपनी करियर की गिलगित बल्तिस्तान के वर्किंग जो राइट्स के लिए वर्किंग थी वो बीएनएफ हमीद ग्रुप के साथ स्टार्ट की थी। तो बीएनएफ हमीद ग्रुप के साथ स्टार्ट करने पे एडवोकेट महबूब अफाक बिलावर, हमें नहीं पता कि ये हमारे ही नाम से क्या क्या कमा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में हमें गलत गुमराह कर रहे हैं और रियासत के खिलाफ उकसाते हैं, फौज के खिलाफ उकसाते हैं। जैसे मेरे को उकसाया कि आपके बाबा को स्लो वाइजन इंजेक्शन एजेंसियों ने आईएसआई ने दिया। आपको पता है वालिद हमारे किसी के एजेंट वेजेंट नहीं थे, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कौम के लिए वक्फ की। मैंने सोचा कि मैं कहीं बाहर मुल्क के लिए अप्लाई करूं, स्टडीज के लिए अप्लाई करूं। इंटरमीडिएट होने के बाद मैंने स्टडीज के लिए अपने स्कॉलरशिप लेके मैं कराची से ट्रेवल किया था, मैंने अब्रॉड में इटली आया था, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो में बकायदा एडमिशन मिला था, मैं स्कॉलरशिप का स्टूडेंट था वहां पे। हम वहां पे इटली पहुंचे तो हमारे कॉन्टेक्ट हमीद ग्रुप और ये सिरिंग हसन, हमीद उस टाइम शायद ये पकड़े जा चुके थे, उसके बाद शब्बीर मयार भाई वगैरह, ये आसिफ नाजी वगैरह सब, इनकी पोस्ट वगैरह ये सब और बीएसएफ की चीजें वगैरह शेयर करते थे। जिन लोगों ने मेरे बाबा को ही बिगाड़ा उन बेगरतों के कान तक जाहिर सी बात है रसाई हुई कि हम यूरोप पहुंच गए, हम यूरोप से बैठ के हम बड़ा बोल रहे थे। इस तरीके से हमसे पहली बार कांटेक्ट किया अमजद मिर्जा साहब ने, इन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट करके बाकायदा फेसबुक पे इनका मेरे से कॉन्टेक्ट हुआ, इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे रोम भी आऊंगा मिलने और इन्होंने बकायदा कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का हिस्सा है, ये ग्रेटर लद्दाख का हिस्सा है, ऐसे करके इंडिया ने इसको अनाउंस भी कर दिया है, तो हमारे साथ इंडिया खड़ा हुआ है, आप भी गिलगित बल्तिस्तान से एक मजबूत तवाजुन आवाज बने, आप एक शहीद के फर्जंद हैं, ऐसे करके इन्होंने मुझे एक तरीके से ट्रप करने की कोशिश की। पहले इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें की, फिर उसके बाद मैंने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया तो सेकंड टाइम इन्होंने मेरे को फाइनेंशियली इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी और पैसे भी ट्रांजेक्ट भी मुझे करे थोड़े, इन्होंने बोला कि आपको वहां पे भी लेके जाएंगे, आपसे रोम खुद मिलने आओ
जाऊंगा, फिर मैं आप वहां पे एहतजाज भी रखेंगे हम पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, तो ये बाबा जान और जितने भी आपके असीर हैं उनके, जितने भी हम गिलगित बल्तिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हैं जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे वहां। और मैं इन्होंने मेरे को वादा भी किया था और यकीन दहानी भी कराई थी कि मैं अगर इंडिया गया, दिल्ली गया, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, वहां पे मोदी जी से मुलाकात करवाऊंगा आपकी बकायदा, वहां पे हम एक एहसास दिलाएंगे कि आप फर्जंद शहीद के, और ऐसी करके इन्होंने मुझे बातें की। आपने ये देखा होगा कि पहली मैंने वीडियो जब इटली से डाली थी उसमें टोटल FWO जितने भी इस्टेब्लिशमेंट और फौजी इदारे हैं, और जिस तरीके के मेरे अल्फाज थे, जूते वाली सरकार और ये सब, ये बकायदा इन्होंने बोला था कि आपको एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ गोलाबारी करनी है अपने अल्फाजों से, हम आपके साथ खड़े हुए हैं पूरे, हम आपके इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, ऐसे करके इन्होंने मेरे को उकसाया। मैं वहां से निकला हूँ पेरिस फ्रांस में जाके, मैं शब्बीर मयार बल्तिस्तान के जो मेरे वालिद के भी दोस्त होते थे उनसे थोड़ी हेल्प लेके, उनके कुछ दोस्त थे उनके जरिए मैं पहुंच गया पेरिस। पेरिस में यही गिलगित बल्तिस्तान बचाओ तहरीक, शब्बीर मयार और जितने भी ये होते थे अवामी एक्शन कमेटी के, और ये गिलगित बल्तिस्तान बचाओ तहरीक के शब्बीर मयार भाई हो गए, और नजफ अली हो गए, आसिफ नाजी हो गए, इनकी हिमायत में पोस्ट करना, इनके यानी जो इदारों के खिलाफ लिख रहे हैं वही पोस्ट करके डालना, ये सब करके ताकि पॉलिटिकल अपना यहाँ पे मैं असाइलम के लिए थोड़ी आसानियां ले सकूं। तो एक तरीके से एंटी पाकिस्तान केस पूरा दलवाया गया कि बाबा को मेरे मार दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, और बाकायदा खास तरीके से लिखवाया गया ISI के इदारे, ये केस लिखवाने में मेरी मदद की थी। शब्बीर मयार के कुछ दोस्त थे, अली शान मुश्ताक है कॉमरेड, और कुछ उनके पुराने यहाँ पे कुछ बलोच दोस्त भी थे और कुछ कश्मीरी रहनुमा भी थे जैसे हबीबुल्ला भाई हो गए, पेरिस JKLF आई थिंक JKSLF, मैं 4-5 महीने पहले मिला था उनसे नेशनल इक्वलिटी पार्टी में जाने के बाद, 4-5 महीने से फिर उसके बाद किसी से नहीं मिला था। मैंने सज्जाद राजा से बात करी, वो अपनी बेटी के साथ मेरे से पेरिस मिलने आए, पेरिस मिलने आए ये आए हैं मेरे से, तो मैं इनसे एक होटल में जाके मैंने इनसे मुलाकात की है। उस होटल में हमारी काफी लंबी गुफ्तगू हुई हमारे दरमियान, जैसे कि सबसे पहले वही तारुफ वगैरह, उसके बाद एक तरीके से गुफ्तगू हुई जिसमें मैंने बताया कि मैं फर्जंद शहीद सैयद हैदर शाह रिज़वी हूँ, इन्होंने बोला जी हमें पता है, फिर उसके बाद एक तरीके से इन्होंने हमें सब यानी एक झूठे झूठे ख्वाब, आपको यूनाइटेड नेशन में आप दुनिया के आगे लेके जाएंगे, आप वहां पे अपने रिप्रेजेंट करेगा, आप बताएगा कि आपके बाबा को कत्ल किया है इन ISI वालों ने, आपकी जान को खतरा है, आपको मारा है ये, फिर आप उन पूरी कौम के पूरी दुनिया के आगे आप पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा इस एस्टेब्लिशमेंट और जितने भी ये इदारे हैं, जैसे कि ये गिलगित बल्तिस्तान में FWO और जितने भी आप लोग के साथ जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, आपके लोग अरेस्ट हैं, बाबा जान और जितने भी आपके इफ्तखार करबलाई और ये सब लोग हैं, आप उनके लिए एक तवाज़ुन आवाज बन के आपको गिलगित बल्तिस्तान का हम रिप्रेजेंट करवाएंगे, नेशनल इक्वलिटी पार्टी का पूरे EU का सदर बनना, नेशनल इक्वलिटी पार्टी का वो बनाएंगे, ये करेंगे, आपको UN ले जाएंगे, ऐसे करके इन्होंने हमें अपने साथ शामिल करा। हमने अनाउंस किया नेशनल इक्वलिटी पार्टी में जाने का, माशी हालात को इन लोगों ने देख के मेरे, इन्होंने गलत फायदा उठाते हुए मेरे को अपनी पार्टी में शामिल किया, और उन्होंने बोला हम लॉकडाउन की वजह से यहाँ UK से आ नहीं सकते, वरना अच्छे तरीके से हम बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस या अनाउंसमेंट करते। जब इंतजामिया ने रोका तो यहाँ पे इन्होंने सज्जाद राजा ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि आप क्या लापरवाही कर रहे हैं, आप अभी कॉल दें, अगर उनको जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया, तो मैंने इस तरीके से कॉल भी दी, अगर इनको जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो हम पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर बहुत जल्द एहतजाज करेंगे, और मुझे हिदायत करें कि उस एहतजाज में आप पाकिस्तानी पासपोर्ट, आप पाकिस्तानी फ्लैग ये सब जलाएंगे,
ये एक तरीके से हिस्ट्री रिपीट करवाई जा रही थी, मेरे बाबा की तरह मुझे मुतनाज़ा बनाया जा रहा था। हम ऐसे नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। तो उस पे इन्होंने मुझे हिदायत की जो मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो इसी सेल्फ इंडिपेंड की वजह से इन्होंने मेरी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाया। तो इन्होंने मुझे जब देखा कि बाकायदा पैसे सेंड करते थे, हम लोगों को ये कुर्बानी का बकरा बना रहे थे और हम लोगों को, हमें मरवा के ये हमसे सियासत करना चाह रहे थे, हमारी लाशों से ये लोग सियासत करना चाह रहे थे। बहरहाल मौला का करम ऐसा नहीं हुआ। दूसरा ये कि मुझे काफ़ी अफसोस है जो मैंने किया है, खुद जो मैंने ज़ाती जितना प्रीवियस किया है, पर इसका मुझे, मैं आज ये सारा अपना क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये सब करने के मुझे हिदायत करते थे। और दूसरा ये कि जब ये 22 अक्टूबर का प्रोग्राम इनका एम्बेसी के बाहर होना था पेरिस में, पर ये अभी फ्रांस में, यूरोप में लॉकडाउन की वजह से ये प्रोग्राम भी मुनक्किद नहीं हो सका। यहाँ पे पेरिस वाला प्रोग्राम नहीं हो सका, लेकिन जो मुख्तलिफ शहरों में था, अदील माइग्रे की क्यादत में वहाँ पे हुआ प्रोग्राम। और इनके प्रोग्राम की सच्चाई ये है कि इन्होंने प्रोग्राम करवाया, वहाँ पे रैली करवाई, 10-12-20-30 कहीं से मजदूर मजदूर पकड़ के इन्होंने आवाम पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए। वहाँ इन्होंने यूके में भी यही हरकत करी। यूके में भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, इन्होंने वहाँ पे एक प्रोग्राम किया। वहाँ पे प्रोग्राम करने के बाद इन्होंने कुछ लोगों को जमा करके उनसे नारे वारे लगवाए। यूके में भी कुछ लोग तो नहीं थे उसमें, यूके में शायद, यूके में खुद 3-4 लोग ही थे इनके पार्टी के, और खुद राजा साहब जो पाकिस्तानी इदारे के ऊपर भौंक रहे हैं। और गिलगित में प्रोग्राम ऐसा हुआ, गिलगित शहर का प्रोग्राम ऐसा हुआ कि गिलगित शहर में इन लोगों ने बाकायदा इस चीज़ की रिक्वेस्ट दी थी। इंतज़ामिया ने ये रिक्वेस्ट मुस्तरद कर दी थी। गिलगित में जो क़यादत कर रहे थे वो गयासुद्दीन थे। इन्होंने कहा था, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से भी, इन्होंने मुझे खसूसी हिदायत की थी, आप पूरे बल्तिस्तान के हर ज़िला से, पूरे गिलगित के हर ज़िला से, बल्तिस्तान में अगर आप शिगर, खरमंग और खपलू और ये स्कर्दू, हर शहर से एक एक बस निकालें, जितना भी उसका फाइनेंशियली सपोर्ट आएगा वो सब मैं दूंगा, सारा मैं सेंड करूंगा, कितना भिजवाना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं सेंड करूंगा, सब मैं करूंगा। उन्होंने बोला, बहरहाल आप जूम पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, उसमें आप अपनी बाबा की शहादत का बताएगा कि मेरे बाबा को ISI ने मारा है, मेरे बाबा को पाकिस्तानी इदारों ने मारा है, और पाकिस्तान हम पे जुल्म कर रहा है, और पाकिस्तान ने हमारे जितने भी कौम पर रहनुमा है उनको असीर बना के रखा हुआ है, और ऐसी मतलब नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज अल्फाज मुझे बोलने का उन्होंने कहा। फिर उसके बाद मैं उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करी, तो उधर मैंने इश्तियाल अंगेज में अपने अल्फाज भी कहे। गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी मसला होता था, जम्मू में मसला होता था, जैसे वो कोई तनवीर जो थे, वो जो जिनका रिलीज, बाबा जान रिलीज के, रिलीज की रिहाई के लिए, उनके लिए उन्होंने बोला कि आप ट्विटर पे कॉल दिया करें। फिर एक दफ़ा ये 14 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जो होने वाली यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो सेशन था, इन्होंने मुझे वहाँ से रिक्वेस्ट लेटर सेंड करवाया कि आप इधर नुमाइंदगी करेंगे, आपको 2 मिनट बोलना दिया जाएगा, जिसकी मैं आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करवाऊंगा स्पीच की, आपको वही बोलना होगा, जिसमें बहरहाल समराइज करके उन्होंने ये बताया था कि जिसमें ऐसा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ FWO, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, जो हमारी यानी गिलगित, आपके गिलगित बल्तिस्तान में जो कौमी रहनुमा जो गिरफ्तार हैं, बाबा जान और ये, वो कत्ल हो जाएंगे, पाकिस्तान ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर देगा, तो आपको वहाँ स्पीच करने का मौका मिलेगा। तो इन्होंने बाकायदा उसके मेरे लिए होटल रिजर्वेशन हर चीज़ करके, मेरी जुनेवा में वो कॉन्फ्रेंस होनी थी तो वो करके रखी हुई थी। बाकायदा मेरे पास लेटर है, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे
लगा हुआ है। इन्होंने हमें अक्सर काफ़ी पैसे भिजवाए, बीच बीच में पैसे भिजवाते थे, हमें पैसे सेंड किया करते थे। हमारे यानी एक तरीके से मिस यूज़ किया गया, हमारी मजबूरी का फ़ायदा इन लोगों ने उठाया खाली बस। और उसके बाद ये 22 अक्टूबर का प्रोग्राम, इनका एम्बेसी के बाहर होना था पेरिस में, ये पेरिस वाला प्रोग्राम मेरी ज़ेरे क़यादत में होना था, जिसके लिए मैंने मुख्तलिफ इलाकों से, मैंने सोचा था कि मैं अपने दोस्तों को जमा करूंगा 22-23। तो इन्होंने प्रोग्राम की डेस्टिनेशन जो रखी थी, उन्होंने बोला था आप पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर, आप पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर आप वो करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, और उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, 22 अक्टूबर के ख़िलाफ़ जितने भी पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं जो हम पे जुल्म कर रहे हैं, जो इन्होंने हमारे जो भी कानून है पूरे एक तरीके से पाकिस्तान को लरज़नाइज़ दें, ये तैयारी की थी इन्होंने। तो इस दौरान इन्होंने तैयारी करने के बाद इन्होंने मुझे कहा था कि आप उधर स्पीच करेगा, वीडियोस बना के आप मुझे सेंड करेगा। मुझे नहीं पता ये वीडियोस और पिक्चर्स इनकी, और ये जो हमारे अखबार के बयान, जो मुझ जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो गुमराह हो जाते हैं बेचारे, उनके बयान और अखबार की कटिंग है वगैरह, ये लोग कहाँ देख के और क्या कमाते हैं ये हमें नहीं पता। तो इस पे ये सज्जार राजा साहब ने मुझे हिदायत की थी कि आपका जितने भी कहीं कहीं पूरे यूरोप से आपके जहां अभी पेरिस में दोस्त आना चाह रहे हैं एहतजाज में, उनको बुलाएं, इनका फाइनेंशियल, उनका अकोमोडेशन, उनका जिस होटल में भी उनको रुकना होगा, भले 40 हो 50 हो, इन्होंने तो मुझे 200 बंदों का एक एवरेज दिया था कि पाकिस्तान सफारत खाने के बाहर तकरीबन 200 लोगों को लेके आप एहतजाज करें, जिसमें एहतजाज करें, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाएं और ये सब करें। तो वो उसकी वीडियो और ये ऑडियो वगैरह ये सब बना के, सारी चीज़ें बना के सोशल मीडिया को भर दें, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ भर दें, और जितना भी ट्वीट है ट्वीट पे ट्वीट करें, ऐसी चीज़ मेरी मेरी जितनी भी तकरीरें हैं वो फेसबुक पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, जो मैंने यूनाइटेड नेशन में बोला है वो व्हाट्सएप में लोगों तक, आवाम तक पहुँचाएं, हमारा पैगाम आवाम तक पहुँचाएं, ऐसा करें।